अफगानिस्तान में रह रहे सिखों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। बता दें कि भारत 55 सिखों का जत्था अफगानिस्तान से पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि उन अफगानिस्तान में रह रहे सिखों के साथ बहुत से अत्याचार भी किए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक यहां शरणार्थियों का अंतिम जत्था था। विदेश मंत्रालय ने इन सिखों का ई वीजा मंजूर किया था। इसमें 38 वयस्क, 17 बच्चे और 3 शिशु शामिल है। वहीं भारत पहुंचने के बाद इन शरणार्थियों ने अपना दुख भी बयां किया। बता दें, सूत्रों के मुताबिक भारत पहुंचे अफगान सिख बल ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मुझे 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि तालिबान ने हमारे साथ धोखा किया है, उन्हें जेल में बाल काटने के लिए भी मजबूर किया गया। ऐसा सिखों द्वारा अफगानिस्तान की शिकायतें भारत में बताई जा रही है। मैं भारत सरकार का आभारी हूँ और भारत आकर बहुत खुश हूँ, अफगानिस्तानी सिखों ने बात भारत आकर कही। एक दूसरे शरणार्थी बताया कि हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ आने के लिए हमें ई वीजा उपलब्ध करवाया गया। अभी भी हमारे परिवार के कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। लगभग 30 से 35 लोग अफगानिस्तान से अब भी नहीं निकल पाए हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।